Good morning, students. Today we will start the chapter 4, distribution of ocean and the continent. You know, the continent covers 29% of the surface of the earth and the remainder is under the ocean water. The position of continent and the ocean bodies as we see them in map have not been same in the past. Moreover, it know a well accepted fact that ocean and continent will not continue to enjoy their present position in time to come. 29% area जो continent का है land area और 71% ये water area है total. Continental drift observe the shape of the coastline of the Atlantic Ocean. You will be survived by the symmetry of the coastline on either side of the ocean. And consider the possibility of the two Americas, Europe and Africa to be one joined together from the no record of the history of science. It was Abraham Origris, a Dutch map maker, who first proposed such as possibility as early as 1596. Antonio Pellegrini drew up of showing the three continental together. Antonio ने कहा कि जो three continental हैं, ये क्या हैं? Together, इकट्ठे थे तीनों के. Alfred Wegener, a German meteorologist who put forth a comprehensive argument in form of the continental drift theory in 1912. This was regarding the distribution of ocean and continent. Continent ocean का distribution किया 1912 के अंदर Alfred ने जो German के रहने वाले थे. According to Wegener, all the continent form a single continental mass and mega ocean surrounding the sea. जितने भी आज एक्सप्रेशन कॉन्टिनेंटल है, सब जो कॉन्टिनेंट है वो सारे के सारे की लैंड मास था पहले. द सुपर कॉन्टिनेंट वॉज नेम पेंजिया. और सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम था? पेंजिया. पेंजिया पेंजिया ये लैंड मास है सारे का सारा, टोटल लैंड मास पेंजिया. Which mean all earth, Benjamin, all earth. The mega ocean was called Panthesia. ये Panthesia. Total all water area है, इसको क्या बोलते हैं? Panthesia. Meaning all water. It means all water. He argued that around 200 million years ago, the supercontinental Pangaea began to split. पेंजिया फिर क्या हुआ? स्प्लिट हुआ, उसके ब्रोकन वार टूट गया और पेंजिया फर्स्ट ब्रोकन इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंट. पेंजिया टू पार्ट्स में कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ. मास एज लोरिशिया, इसका अपर पार्ट जो है नॉर्दर्न ये लोरिशिया है एंड द गोंडवाना ये नीचे वाला पार्ट गोंडवाना है. फॉर्मिंग द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न कॉम्पोनेंट्स रिस्पेक्टिवली. लोरिशिया गोंडवाना लाइक कॉन्टिनेंट टू ब्रेक इन टू वेरी स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स द एक्सिस टूडे. ए वेराइटी ऑफ एविडेंस वॉज ऑफर्ड इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिप. सम ऑफ दीज आर गिवन. जो ये जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, सेवन कॉन्टिनेंट जितने भी हैं, वो सारे के सारे क्या था उस टाइम के अंदर, जैसे मान लीजिए टू पार्ट जो थे जिनका लोरिशिया और गोंडवाना लैंड जो था, लोरिशिया नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड, इन्हीं में से आज एट प्रेजेंट सेवन कॉन्टिनेंट बने. इन्हीं के एक मास लैंड था जो उस मास लैंड से ये सेवन कॉन्टिनेंट बने. एविडेंस इन स्पॉट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. द शोर लाइन ऑफ अफ्रीका साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर एट ए रिमार्केबल एंड द अनमिस्टेकेबल मैच. ए कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड दैट बिस्ट फिट ऑफ द एटलांटिक मार्जिन वॉज प्रेजेंट बाई
Bullets in 1964. The match was tied to 1000 fathom line in which the pitch and sword line 1000 गहराई से इसको आपस में मिलाया गया दोनों तो ये क्या हुआ दोनों एक दूसरे के साथ फिट हो गई एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना के दोनों को अफ्रीका को और साउथ अमेरिका इसको आपस में क्या किया दोनों को मिला दिया गया जिससे ये एक दूसरे में कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा फिट दिखाए गए इट्स मीन्स अटलांटिक जो समय ये पहले नहीं था यहां पूरे का पूरा लैंड मास था जो ये इकट्ठा था अब इसको क्रू कैसे करें इसके दो तीन पॉइंट्स बताता हूं आपको जिसके द्वारा क्रू होता है कि पहले ये पूरा एक वन लैंड मास था रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड डेवलप्ड इन रिसेंट पीरियड हैव फैसिलिटेटेड ओरिएंटिंग द रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंटल अक्रॉस द वास्ट ओशन द बेड ऑफ एंशिएंट रॉक ऑफ 2000 मिलियन ईयर फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका The earliest marine deposit along the coast line of South America and Africa are the Jurassic Age. Jurassic Age क्या है? 192-145 का जो टाइमिंग था एज थी उस टाइम को हम Jurassic Age बोलते हैं द सजेस्ट दैट द ओशन डिड नॉट एक्सिस्ट प्रियर्स टू दैट टाइम जो मिलियन ईयर एगो पहले की बात है इन दोनों को कंबाइन जब कर दिया गया तो उस कॉम्बिनेशन से ये एक दूसरे के अंदर फिट हो गए थे जैसे मान लीजिए इस साइज का यहां गया और ऊपर वाला इस साइड आ गया और इस प्रकार से ये एक लैंड मास था सेकंड इलाइट इलाइट मीन्स रॉक इट इज द सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म्ड आउट डिपोजिट ऑफ ग्लेशियर द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंटरी फ्रॉम इंडिया इज नोन एज हैविट काउंटर पार्ट ऑफ सिक्स डिफरेंट लैंडमार्क ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर एट द बेस द सिस्टम हैज थिन इलाइट इंडिकेटिंग एक्सटेंशन एंड द प्रोक्लेम्ड ग्लेशियर्स काउंटर पार्ट ऑफ दिस सक्सेशन आर फाउंड इन अफ्रीका फोर्टलैंड आईलैंड मेडागास्कर एट अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया बिसाइड इंडिया ये जो लैंड मास इसने बताई ऑस्ट्रेलिया इंडिया अफ्रीका कवर साउथ कवर ये सारे के सारे पहले क्या थे एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए थे लैंड मास कंबाइन थे इकट्ठे थे सारे के साथ सेकेंड एक और एग्जाम्पल इसके अंदर दिया है प्लेसर डिपोजिट प्लेसर क्या होता है एल्बर्ट सैंड जो होता है उसको बोलते हैं प्लेसर डिपोजिट The occurrence of rich placer deposit of gold in Ghana coast and the absolute absence of source rock in the region is an emergent fact. The gold bearing wedge in Brazil, gold bearing vein, Brazil, here is Brazil, Brazil के अंदर जो gold vein है वो यहां जो vein की rock है वो भी same है और Africa का जो gold जहां से निकालते हैं Africa के हम वो area भी वहां की रोक और यहां की रोक दोनों क्या है सेम है ब्राजील एंड इट इज द ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ द घाना घाना साउथ अफ्रीका के अंदर जहां से गोल्ड माइन है जहां से गोल्ड निकालते हैं गोल्ड का सबसे ज्यादा गोल्ड निकाला जाता है घाना से साउथ अफ्रीका से तो वहां की रोक वहां की जो एल्बर्ट सैंड है वो सैंड एंड ब्राजील जो सैंड है वो सैंड ब्राजील वेन्स जो है वो सेम है The gold deposit of Ghana and dived from the Brazil plateau wherein the two continents lay side by side. ये क्या है कि ये दोनों ही जो जगह है बिल्कुल सेम मिली गई अगर मान लीजिए बीच में अटलांटिक ओशन ना हो Distribution of fuels. थर्ड आगे नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल एक और दिया है वेन द identical species of plant and animals. Adapted to living land in fresh water are found in either side of marine barriers. A problem arises regarding the accounting for such distribution. The observation that the lemurs get land area occur in India, Madagascar and Africa
let sum of considered as continuous landmass. Lemuria, select these three landmarks. इन landmarks को कौन से? जिसमें इसने अफ्रीका का बताया, इंडिया का, मेडागास्कर का जो लेमुरिया है, ये जो है इन तीनों के अंदर जो फ्यूल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल्स है, वो फ्यूल्स एक तरह के, मतलब एक तरह के रॉक, एक तरह के वेज उसके अंदर पाई गई है। तो यहां इस चीज को इंप्रूव कर रहा है ये कि किस प्रकार से जो साउथर्न कैप वाइन साउथ अफ्रीका ब्राजील एंड टू लोकेशन प्रेजेंटली आर 4800 किलोमीटर ए पार्ट विद इन ओशन इज बिटवीन देम। ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर और इंडिया के अंदर ये एक सारे का सारा लैंड मास जो है वो इकट्ठा लैंड मास था, ये चीज इसने प्रूव की है। जो इसके अंदर ये बताएगा कि पहले सिर्फ दो ही पार्ट के लैंड मास के जब स्टार्टिंग बने, लोरिशिया एंड गोंडवाना, ये टू लैंड लोरिशिया गोंडवाना लैंड के ही एट प्रेजेंट जितने भी कॉन्टिनेंट है वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट इन्हीं में से बनकर अलग हो गए।